सच जानने के बाद दिव्या ने मांगी अभीरा से माफी। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अभीरा के पोदार हाउस लौटने के बाद कावेरी जी और रूही सदमे में आ गए हैं। वो लोग इस बात से टेंशन में हैं कि कहीं अभीरा दोबारा से अरमान को उनसे छीन ना ले, इसलिए दादी सा अभीरा को वार्निंग देने के लिए उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। कावेरी जी अभीरा से कहती है कि तुम्हें अपना वादा तो याद है ना कि तुम अरमान को सच नहीं बताओगी, कि कोर्ट में तुमने हमारे कहने पर झूठ बोला था, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो हम भी अपना वादा तोड़ देंगे विद्या और माधव को मिलाने का, अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद अभीरा दादी सा को कहती है कि मैम आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी या अरमान को हड़पने नहीं आई हूँ, आप बेफिक्र रहिए, हो सके तो मेरे काम में टांग मत अड़ाइएगा। इतना कहकर अभीरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि विद्या ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। सच जाने के बाद विद्या को अपने किए पे पछतावा होता है और उसे ये भी नहीं समझ में होता कि वो किस मुंह से अभीरा से माफी मांगे, और ये जानने के बाद वो कावेरी जी से नफरत करने लगी है। हालांकि वो अभी भी अरमान और रूही की शादी करवाना चाहती है। दोस्तों अब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आगे क्या होगा। इस सीरियल से जुड़े अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें।